तम जदायु शतमेन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रान शक्राजर संतनूनाम पुत्रासो जत्पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिकृतायुर्गंतो आदितिर्दोरदितिरंतरिक्ष मध्यपिता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जातम अदिति जन त्वं मध्यो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति लोकधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधि जतो यतः समीयसे ततोनु अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्करं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः चंद्रमा मनसु जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत श्री आकांताय देवाय कल्याणाय निधे अर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय निवासाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुर्जाय सार्वभौमाय मंगल आरती अति पावन पुराण है कहित गान की सेवक
धर्म भक्ति की ज्ञान ध्यान की धर्म भक्ति की ज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की बोल भागवत भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आराध्य पिक्यम समर्पयामि जले निषीदली गरणम पुष्पय देवादि वंदनम आत्मा विवाद वंदनम हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकम महिमाना सचंत्र जित पूर्वे साध्यासंत देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ततो ग्रहण परमेश्वरः सुगंधवल्ली शतपत्र जाते सुवर्ण चंपा वकुलोद्भवानि गृहाण देवी समयार्पितानि प्रभु हरे श्री पुष्पाञ्जलानि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमोमि वंदनोमि प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय भागवत भगवान की जय सांवरिया सेठ की जय सांवरिया सेठ की जय राधा कृष्ण भगवान की जय सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं दिव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आज अंतिम दिवस है। जय पारस टीवी चैनल से जुड़े भक्तों को जय श्री राधे जय श्रीमन्नारायण। आप हमसे जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ कमा करके अक्षय पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय पारस टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े भक्तों को दर्शकों को जय श्री राधे। आप सब हमसे जुड़ करके धर्म लाभ घर बैठे कमा करके अक्षय पुण्य की भागी बने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हम लोगों का बड़ा परम सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच में अयोध्या से पधारे आचार्य प्रवर अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री रघुपत त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी रसमयी संगीतमयी वाणी के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा का आयोजन कराने वाले मुकेश भाई रमेश पाल जी नागेश देवी जी अरविंद पांडे जी आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ा अथक प्रयास करके ऐसे भगवत आयोजन किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि इनकी गति इनकी मति धर्म में लगी रहे धर्म के कार्य में लगे रहें क्योंकि धर्म का कार्य करना कोई आसान बात नहीं है। बड़े कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद धर्म का कार्य हो पाता है। ये भगवान की कृपा है पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद है गुरुदेव की कृपा है जो ऐसे भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हम आपके बीच में चल रहा है। हम आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं ये अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए बड़े श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ सभी भक्तजन भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भगवान की मंगलमय श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राधे। पूज्य महाराज श्री श्री
सरस्वती नमः। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमले नमः। परम हंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय पुरुषाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदी गुरु परंपरा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धै वागी साध्याः सुमनसाः सर्वार्थानां उपक्रमी इयं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। देवि प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरसि। बीडाधरी विपुलमङ्गलदानशीली भक्तार्तनास्यन्ति विरञ्चि हरीशवन्दि कीर्ति प्रदीखिलि मनोरथवी महारही विद्याप्रदायनि सरस्वति नोमि नित्यम्। यो अन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरास्वधाम्ना अन्यान् सहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कान्तिश्रिताम्रसतनिन्दितसारदीन्दुम् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनीपकृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि।
धीयं सदा परिभवगणमवीष्टदूहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहं कणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रीन्द्रय वाणिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जानकी जीवनं वन्दे मान्वी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तनमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः बोले अयोध्यानाथ भगवान की श्रीद्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की जय जय श्री सीता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भतवांछा कल्प तरु भगवान नंद नंदन वृदी नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य परिपूर्ण गोपीकांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा पुत्रा वृंदा की चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा उपस्थित बंजुल बना माताएं बहनें भगवान की इस पावन पीयूष बरसड़ी कथा सुधा रस का आनंद लेने आई सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करती हुई और इस पवित्र सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराने वाले अपने आयोजक मंडल को सहृदय धन्यवाद देते हुए उनके हृदय में भगवान से भगवत भक्ति की अमर विमल कामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। ये दास लगातार कई दिनों से आपसे निवेदन कर रहा है जीव को यह भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है तो भागवत में बार बार आता है
कि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर के किए गए पुण्य कर्म जागृत होते हैं तब ये भागवत श्रवण करने के लिए मिलता है। ये भागवत धनवानों के लिए नहीं, ये महाभाग्यवानों के लिए है, जिसके जीवन में भाग में जिसके कर्म में भगवत कृपा हो उसको ये शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए हम सब लोग स्वर में स्वर मिला करके तालियां लगाते हुए थोड़ी देर भगवत नाम जप करते हैं, उसके बाद भागवत कथा मंदाकिनी में हम सब लोग गोता लगाते हैं। अपने समस्त सुधीय श्रोताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मन से भगवान की प्रार्थना करें कि दास को कुछ वक्तव्य देने की शक्ति और आपको श्रवण करने की शक्ति, जो भक्त जनमानस यहां बैठे हैं और जो पूरे देश भर में बैठ करके देख रहे हैं, उन सब से निवेदन करते हुए आइए हम लोग भगवत धारा में जुड़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Yeah.
बंसी बजाते को लुभाते हे हाथ काले तुम सामने हो बंसी बजाते को लुभाते आता ये ही मैं धननाथ त्यागूं भगवान की पवित्र कथा में पधारी समस्त श्रोताओं, कल आपके समक्ष निवेदन किया जा रहा था कल आपके समक्ष निवेदन किया जा रहा था परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने अपना 16,108 विवाह किया।
दास ने कल आपसे निवेदन किया कि 16,000 क्या है, 100 क्या है और 8 क्या है। भगवान के प्रत्येक रानी से 10 पुत्र पैदा होते हैं। आप जोड़ लीजिए कि कितने बेटे हो गए होंगे, कितना लंबा परिवार हो गया होगा। मेरी मैथ बहुत कमजोर है। लेकिन जो शास्त्र में वर्णन है वो 99 करोड़ यदुवंशियों का वर्णन है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित जी को इस पवित्र कथा को श्रवण करा रहे हैं। एक बात स्मरण करा दूं आपको, भगवान द्वारिका में गृहस्थी में रह रहे हैं और गृहस्थ धर्म में कैसे रहना चाहिए इसको हमें जानना नितांत आवश्यक है। हम सारे लोग सदगृहस्थ हैं और गृहस्थी में कैसे रहा जाए, चार आश्रम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य, बाणप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम धन्य है। इन्हीं गृहस्थों के यहां संत पैदा होते हैं, इन्हीं गृहस्थों के घर में विद्वान पैदा होते हैं, इन्हीं गृहस्थों के घर बड़े बड़े धनवान पैदा होते हैं और इन्हीं गृहस्थों के घर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष पैदा होते हैं। गृहस्थी कैसे चलाना, घर में भगवान का छोटा सा मंदिर रखना, उनकी सेवा पूजा करना, घर में भोजन तैयार हो भगवान का भोग लगा करके पूरे परिवार को खिलाना, दरवाजे पर कोई अतिथि अभ्यागत आ गया है तो उसकी ढंग से इज्जत करना, सम्मान करना, कोई संत विद्वानों से मुलाकात हो उनके श्री चरणों पर गिर करके और संत और विद्वानों का समय मत बर्बाद करना। अगर संत और विद्वानों से भेंट हो तो उनसे एक सवाल केवल पूछना कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें कोई रास्ता बताइए। दरवाजे पर कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए सेवा कीजिए, और कोई भिखारी आ जाए तो आपके दरवाजे से निराश नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ दे देना। वो जो भिखारी आपके दरवाजे पर आया है वो भीख मांगने नहीं आया है। भिक्षुको नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे, वो आपको ये बताने आया है कि मुझे देख लो, मेरे हाथ पैर हैं, मैंने इन हाथों से न कभी संत विद्वान का चरण छुआ, न भगवान की पूजा की और न किसी को दान दिया और न सत्कर्म किया अपने हाथों से। देख लो मैं भिखारी हो गया हूं, भीख मांग रहा हूं, और तुम लोगों को अगर अच्छा काम करना हो तो कर दो, नहीं कल मांगने के लिए तैयार हो जाओ। वो आपको ये बताने आया है, वो आपसे मांगने नहीं आया है। एक कुत्ते की जब मौत होती है तो उसके सर में देखे हैं घाव हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, वो आपसे आपके यहां जाकर के अपना दर्द नहीं बांट रहा है। वो इसलिए टहलता है, घूमता है कि मुझे देख लो, मैंने जिंदगी में कुकर्म किया है, मेरे सर में कीड़े पड़े हैं तब मेरी मौत हो रही है। ऐसा काम आप लोग मत करना, इतना गंदा काम कि आपकी इतनी दर्दनाक मौत हो। वो आपसे बताते हैं महाराज, आज भगवान की गृहस्थी चल रही है। आइए चलते हैं विषय पर। भगवान के 16,108 रानियों में 16,107 रानियां कभी न कभी भगवान से नाराज हो ही गई। भगवान की एक रानी जिनका नाम है रुक्मणी, वो कभी भगवान से नाराज नहीं हुई। तो भगवान ने कहा
कि आज कुछ ऐसी हरकत करूंगा जिससे रुक्मणी नाराज हो, देखूं तो कि ये नाराजगी पर क्या बोलती है। भगवान अचानक रुक्मणी के महल में गए परीक्षित, और भगवान ने रुक्मणी से जानते हो क्या कहा, भागवत जी का श्लोक देखना जरा। भगवान कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमदवी रूपोदार्य बलोर्जितै। ए राजा की लड़की, ए भीष्मक की पुत्री, तुम तो राजकुमारी हो ना, राजा की बेटी हो, तुम्हारे स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, शिषपाल आया था इतना सुंदर, तूने अपना विवाह उनके साथ क्यों नहीं किया, तुमने अपना विवाह मेरे साथ करके अपनी जिंदगी और मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, मेरे पास क्या रखा है, तुम इतनी सुंदर हो और मैं इतना काला भी हूं। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि राजभ्यो विव्यता सुब्रुम समुद्रम शरणाम शरणंगतान बलवद भी कृतद्वेषान प्रायस्त्यक्त नृपासनान। भगवान ने कहा, शिषपाल दंतवक्र जरासंध जितने बलवान लोग हैं धरती के, सब मेरा विरोध करते हैं, और मेरे तो इतनी जमीन नहीं है कि मैं कहीं घर बना लूं। राजभ्यो विव्यता सुब्रु समुद्रम शरणंगतान, समुद्र से मैंने जमीन मांगा है तब मेरी द्वारिका बनी है, मैं समुद्र के शरण में पड़ा हूं, मेरा यहां क्या है। भगवान तमामों प्रकार से, जैसे पति और पत्नी में बहस होती है, भगवान बोलते गए और रुक्मणी जी आराध्या वंदनिया वो सुनती गई, उन्होंने प्रति उत्तर में अपने पति को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बेहोश होकर के धरती पर गिर गई। जब रुक्मणी जी विक्षिप्त होकर के गिर गई, तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में आज रुक्मणी के समक्ष प्रकट हुई, और भगवान ने कहा, रुक्मणी मैं तो केवल हंसी मजाक कर रहा था, तुम मजाक में बेहोश हो गई। भगवान एक हाथ से रुक्मणी के मुंह पर पानी मारते हैं, एक हाथ से पंखा चलाते हैं, और दोनों हाथ से रुक्मणी को उठा करके पर्यंग पर लिटाते हैं। जब रुक्मणी जी को होश आया, उनकी आंखें भर गई, और उन्होंने ठाकुर जी के श्री चरणों को पकड़ करके कहा, नाथ हमारे और आप में जमीन और आसमान का अंतर है। आपने क्या कहा कि तुम लक्ष्मी हो? हाँ मारा लक्ष्मी हूं, मुझे दुनिया में कोई बाकी नहीं है जो नहीं चाहता है, कोई है दुनिया में जो लक्ष्मी को ना चाहता हो? लेकिन हे ठाकुर, जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, वे बड़े बड़े संत मुझे नहीं चाहते, वो तो सिर्फ आपको चाहते हैं। महाराज मुझे तो संसारी चाहता है ठाकुर, और आपको चाहते हैं संसार से विरक्त लोग, और वो शरीर किसी काम की नहीं ठाकुर, जो आपके काम ना आए। शास्त्रों में अगर शरीर की निंदा आती है तो मैं पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर की निंदा करती हूं, वो शरीरधारी बेकार है जो शरीर से आपका भजन यजन पूजन करे ठाकुर, जो आपको चाहे ना। श्री रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण का एक लंबा संवाद है श्री भागवत में, और यह पवित्र संवाद सुधी श्रोताओं का मंगल कल्याण करे। इसके बाद भागवत में तमामों प्रकार का सारांश भरा पड़ा हुआ है,
लेकिन मैं खास बिंदुओं पर प्रकाश डाल दे रहा हूं, उसको आप ढंग से श्रवण कर लीजिए। भागवत में एक बड़ा विस्तृत और बड़ा पवित्र चरित्र आता है। जो लोग इस संसार में प्रचलित चरित्र है, वो है सुदामा चरित्र। आपने नाना प्रकार के संत विद्वानों से सुना होगा, लेकिन आज जिस सुदामा चरित्र को आप श्रवण करने चल रहे हैं, ये भागवत के सुदामा है। और सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसी गुजरात प्रांत में ही और महाराष्ट्र के बीच में ही पढ़रपुर की है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, भगवान की कृपा दीनों पर बहुत जल्दी होती है, भक्तों पर बड़ी जल्दी होती है। और गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, दीनु दयाल बिरदु सम भारी, दीनु दयाल बिरदु ठाकुर जी आर्तत्राण परायण। हे महाराज परीक्षित जी, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं, और वो मित्र कौन है? कहा ब्राह्मणों, एक पंडित जी, एक सावर्ण गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण, ब्रह्मवित्तम कहने का भाव कि वो ब्राह्मण संसार की संपत्ति तो उसके पास नहीं है, दुनिया का जो धन होता है वो तो उस ब्राह्मण के पास नहीं है, संसार की संपत्ति नहीं है उसके पास, लेकिन कहते हैं ब्रह्मवित्तमा। संसार की संपत्ति उस ब्राह्मण के पास, ये सही है, लेकिन ब्रह्मवित्तमा वो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम है,
इस संसार में ब्रह्म वित्तम किसे कहा जाता है? ब्रह्म वित्तम उसे कहा जाएगा कि संसार की संपत्ति ना हो, चलेगा, लेकिन जो भगवान के नाम का अखंड धनी हो। इसलिए ब्रह्म वित्तम कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। पंडित जी ब्रह्म वित्तम है और उनकी आत्मा शांत है समुद्र के समान, और जितेन्द्रिय है। फिर विशेषण देखिए, इंद्रिय को जीतने वाले। जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम बन जाता है उसका पतन होने में विलंब नहीं लगता है। इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों का गुलाम कभी मत बनना। ये नहीं कि अब इस टाइम मन कर दिया है कि हमको ये करना है, हमको ये खाना है, उसी पीछे मर जाओ। इतना गुलाम मत बनो। ठीक है, खाना है, व्यवस्था होगी, खाएंगे। ब्रह्म वित्तम है, जैसे मीरा जी ब्रह्म वित्तम है। मीरा जी के पास क्या है? चित्तौड़ से मेवाड़ तक एक राजघराने की बेटी और एक राजघराने की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, तस्य भार्या कुचैलस्य छुत छामा च तथा विधा यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य छुत छामा च तथा विधा। सुदामा जी की पत्नी का नाम है कुचेला। कुचेला उसे कहा जाता है जो मैला कुचेला कपड़ा पहने, कुत्सित वस्त्राण धारयतीत कुचेला। लेकिन स्वभाव में बड़ी सुशील है कुचेला जी, इसलिए सुदामा जी उनको सुशीला कहते हैं। सुशीला है। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता है और उसके बाद दरिद्रा शब्द लिखा है। दरिद्रा किसे कहा जाता है? कि लाखों करोड़ों की संपत्ति हो और खर्चा ना करे। वो क्या है? नहीं, उसे दरिद्र नहीं कहते हैं, उसे कंजूस कहा जाता है। दरिद्र उसे कहा जाता है भैया जिसके पास वास्तव में कुछ हो ही ना, और ईश्वर ना करे कोई दरिद्र हो जाए। दरिद्रता से बढ़ करके दूसरा दुख संसार में नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। Come on, come on.
दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है संसार में, और संत और विद्वान से भेंट हो जाए इनमें जो सुख आता है ये सुख भी संसार में कहीं नहीं। सुदामा जी की पत्नी, एक दिन सुदामा जी से कहती है, महाराज जी मैंने सुना है ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षा श्रिया पति। महाराज मैंने ऐसा सुना है कि द्वारिका के जो भगवान है, द्वारिका के जो नरेश है राजा है, वो आपके मित्र हैं। सखा साक्षात श्रिया पति। अरे महाराज वो जो आपके मित्र हैं वो लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के। सुदामा जी ने कहा तो सुशीला जी ने कहा, महाराज ब्रह्मण्य शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा। वो ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, हाँ करते तो हैं। तो कहा महाराज आप भी एक बार वहां चले जाइए। तम उपई महाभाग साधु नाम च परायणम दास द्रविणम भूरी सीधी कुटुम्बिनी। महाराज जी आप एक बार वहां चले जाइए, और आप वहां जाएंगे तो कुछ धन मिल जाएगा, और अगर धन मिल जाएगा तो उससे परिवार का पालन हो जाएगा। सुदामा जी अपने पत्नी पर बिगड़ गए, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं कोई भिखारी हूं। ध्यान देना शब्दों पर, सुदामा जी 81 वर्ष के हैं और उन्होंने जीवन में कभी याचना नहीं की है। सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, ऐसा भागवत में नहीं लिखा है, और ब्राह्मण को भीख मांगना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। क्षत्रिय के 4 कर्म हैं, कृषि वाणिज्य गोरक्षा संत रक्षा तथैव च। ब्राह्मणों को यह चाहिए कि वो तपस्या करें, वो साधना करें, और अपने आशीर्वाद से समाज के सारे वर्गों को साथ में लेकर के चलें, और समाज के कल्याण के लिए वो यज्ञ यागादि कथा भागवत करें। ये ब्राह्मण का कर्म होता है। सुदामा जी ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा, ये मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, ये मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा। और एक बात सुन लेना, मांगना न पड़े ईश्वर किसी से तो भगवान की बड़ी अहर्निश कृपा मानना आप लोग। क्यों? क्योंकि मरणान यानी चिन्हानी तानी चिन्हानी आचके। मरणान यानी चिन्हानी तानी चिन्हानी आचके। मांगब मरब समान है कहां ही कबीर विचारी। आदमी के मरने पर जो चिन्ह होता है वो मांगने पर हो जाता है। सुदामा जी ने कहा कि मैं कोई भिखारी हूं, यहां जिसकी मांगने की आदत पड़ जाती है वो दिन रात मांगता ही रहता है, मुझे नहीं जाना है। जब सुदामा जी नाराज हो गए तो सुशीला जी समझ गई, एक समझदार पत्नी का यह कर्तव्य है कि पति के रुख को माफ करके वो तुरंत उस रास्ते पर चल पड़ती है। जरा श्लोक देखना भागवत जी का, सह एवं भार्यया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु। बड़े मृदु शब्दों में सुशीला ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, अरे महाराज मैंने धन नहीं कहा है। कहा तब क्या कहा है?
तो कहती है कि मैंने तो ये कहा है कि आप वहां जाइए, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज जी, सबसे बड़ा लाभ धन तो ये मिल जाएगा कि आप द्वारिकाधीश को द्वारिका में जाकर के देख तो लेंगे अपनी आंखों से, इससे बड़ा धन क्या होता है। मीरा जी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, क्या कहा मीरा के ही शब्दों में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो जी मैंने
स्वयं ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। महाराज जी आप चले जाइए, कोई संसार के धन की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा लाभ तो ये मिल जाएगा कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। सुदामा ने कहा, सुशीला जाना तो चाहिए, मन तो मेरा करता है, लेकिन मित्र के घर, कन्या के घर, गुरु के पास और भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ध्यान देना सब लोग, भगवान के मंदिर में जाओ तो दो फूल लेते जाओ, कन्या के घर, मित्र के घर, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जा रहे। और हमारे यहां है क्या, हम क्या लेकर के जाएंगे? सुशीला ने कहा, महाराज भगवान हमारी गरीबी, हमारी दशा जानते हैं। सुशीला जी ने क्या किया, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। वो चार घरों में गई और एक एक मुट्ठा चावल मांग करके लाई। इतनी बड़ी गरीबी किसी ने देखी नहीं है, ध्यान देना शब्दों पर। संसार में गरीब तो बहुत हुए, लेकिन भारतीय संस्कृत वांग्मय में जो गरीबी सुदामा जी ने काटी वो किसी ने काटी नहीं। और जब गरीबी ईश्वर दे दे तो नियत मत खराब कर लेना, नहीं पूरे जीवन भर पश्चाताप करोगे। गरीबी के बाद अमीरी की का रास्ता है,